हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खमन ढोकला की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब उसमें हम छलनी रखेंगे। अब इसमें हम जो हम ढोकला बनाएंगे उसके लिए हमने बेसन ले लिया है। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है। इसे हम अच्छे से छान लेंगे, कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से हम छान लेंगे। तो ये देख सकते हैं बेसन हमारी एकदम रेडी है। अब इसमें हम एक चम्मच से थोड़े कम सॉल्ट डालेंगे, हाफ चम्मच शुगर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम जब हम पानी ऐड करेंगे तो एक बार ही हमें पानी नहीं डालना है। पानी डालते समय हमें ध्यान रखना है कि जो ढोकला का घोल है, बैटर है, वो उसे हमें एकदम पतला नहीं करना है, ना ही एकदम गाढ़ा करना है। तो ढोकला का घोल जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा हमारे ढोकला तैयार होगी। तो इस तरह हमें धीरे धीरे पानी डालना है, इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं पानी अच्छे से हमने डाल दिया है, ना ही हमारे बैटर पतला है ना ही गाढ़ा है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है, अच्छे से इसे घोल कर लिया है, एकदम लम्स नहीं है, एकदम बैटर हमारा एकदम रेडी है। अब इसे हम करीब 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस ऑन करके एक बड़े बर्तन में पानी चढ़ाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पानी मैंने बर्तन के हिसाब से एक चौथाई के हिसाब से पानी डाला है। अब दूसरे बर्तन में हम जिसमें हम बैटर डालेंगे ढोकला के, उसमें हम अच्छे से ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह सारे बर्तन में हम चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे। अब हम ढोकला इस बर्तन में ढोकला का जो बैटर है ये बर्तन में डाल लेंगे। ये सारा मैंने डाल लिया है। अब इसमें हम एक छोटी पैकेट इनो डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। यहाँ भी देख सकते हैं ये इस हिसाब से मैंने बर्तन लिया है कि बैटर एक चौथाई रहनी चाहिए, ताकि जो ढोकला जब बन के रेडी हो तो ये ऊपर तक आ जाएगी। तो पानी अच्छे से हमारी गर्म हो गई है। अब इस बर्तन में जो ढोकला के बर्तन है हम उसे आसानी से सावधानी से रख देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने गर्म पानी में ढोकला का बर्तन सेट कर दिया है इस तरह। अब इसे हम ढक देंगे और गैस जो तेज थी उसे हम गैस की आंच को कम कर देंगे और करीब हाफ एन आवर तक इसे कम आंच में पकने देंगे। तो अब हम चेक करेंगे, हाफ एन आवर करीब हो गई है। तो हम चेक करेंगे ढोकला हमारी रेडी हुई है कि नहीं। तो यहाँ हम फोक से या फिर कोई भी नुकीली चीज़ से हम चेक कर सकते हैं ढोकला रेडी हुई। ये देख सकते हैं एक बार एकदम लिक्विड नहीं है, रेडी हो गई है ढोकला हमारी। अब इसे हम सावधानी से निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। तो एक प्लेट ले लेंगे और ढोकला को पहले ढोकला चारों ओर से इस तरह निकाल लेंगे, ताकि प्लेट में ये जब हम पलटेंगे तो आसानी से निकल जाए। इस तरह मैंने ढोकला अच्छे से बर्तन से पलट के निकाल लिया था, ये देखिए। अब इसमें हम एक चाकू से अच्छे से हम पीसेस काटेंगे। ये देखिए ढोकला एकदम रेडी है,
इस तरह हमें पीसेस काट लेनी है। अब दूसरी ओर हम तड़के के लिए कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर। अब इसमें हम एक बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ी गर्म हो जाए तब इसमें हम एक चम्मच सरसों डालेंगे। इस तरह यहाँ पर मैंने थोड़े करी पत्ता ली है और चार पांच हरी मिर्च ली है, इसे बीच से मैंने काट लिया है। अब जब राई अच्छे से, सरसों अच्छे से थोड़ी चटक जाए तब इसमें हम करी पत्ता डालेंगे और साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे। दूसरी ओर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा चार पांच चम्मच पानी ले लिया है। अब इसमें हम आधी चम्मच चीनी डालेंगे और आधी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो खट्टे के लिए आमचूर पाउडर के जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस चम्मच के हिसाब से एक चम्मच रस यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से घोल बना लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो तड़का के लिए जो मिर्चा और करी पत्ता है वो अच्छे से चटक गई है अच्छे से। अब इसमें हम जो हमने घोल बनाया है वो हम डाल देंगे और करीब कुछ सेकंड तक इसे अच्छे से उबालेंगे ताकि ये जो अच्छे से शुगर सिरप, जो तड़के का सिरप अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देख सकते हैं एकदम रेडी हो गई है। अब इस गैस बंद करेंगे और ये तड़का का जो ढोकला में हम चारों ओर अच्छे से डाल देंगे। इस तरह चारों ओर से करी पत्ता, सरसों, मिर्च और जो सिरप है चारों ओर से अच्छे से ढोकला के ऊपर हम फैला देंगे ताकि चारों ओर इसका टेस्ट एकदम अच्छे से आ सके। और अंत में आखिर में गार्निशिंग के लिए हमने सूखी नारियल कद्दूकस करके रखा है, इसे भी हम सजा देंगे ताकि ढोकला हमारी देखने में और अच्छी लगे। इस तरह ये देख सकते हैं तो ढोकला एकदम रेडी है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, एकदम बहुत अच्छी बनी है, कहीं भी अंदर से कच्चा नहीं है। ये देखिए एकदम रूई से भी सॉफ्ट हमारी एकदम स्पॉन्जी ढोकला बन के रेडी हो गई है। इस तरह एकदम मार्केट जैसी ढोकला तैयार हो गई है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर घर में बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ में लाइक ज़रूर करें मेरे इस रेसिपी को। ये देखिए बहुत अच्छी रेसिपी ढोकला बनी है। थैंक यू।